फोकस करूंगी साफ सफाई में, कि यहाँ पर ना शौचालय की ना बहुत ज्यादा कमी है। कमी है इसलिए इतनी गंदगी है, क्योंकि शौचालय यूज करेंगे तभी गंदगी कम होगी, और साफ सफाई का उनको महत्व बताऊंगी तभी वो स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कभी बीमार ना पड़े। अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज में। नवगठित नगर पंचायत बिनीपट्टी काज वार्ड नंबर 12 जहाँ की प्रत्याशी हैं अंजलि देवी, आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं। तो स्वागत है आपका अंजलि जी हमारे नवरत्न मिथिला न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो मेरा ऐसा कहना है कि सुनने में आया है आपके वार्ड में कि इस बार वार्ड के सम्मान में अंजलि देवी है मैदान में, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? इसके विषय में मैं क्या बोलूँ सर, इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ करूँ, अपने वार्ड की स्थिति देखकर, क्योंकि यहाँ पर वो हर कुछ की कमी है, यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कि आप बारिश में देख लीजिए कि नली गलियों की हालत, रास्तों की हालत इतनी ज़्यादा पानी रहती है कि वहाँ पर सभी को चलने में दिक्कत होती है, बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं इसी बात को देखती हूँ कि यहाँ पर ना रास्तों गलियों सड़कों की बहुत बुरी हालत रहती है जी। और दूसरी बात हो गई यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है ना वो भी गड़बड़ सड़बड़ है। अब वो उसमें देखिए जो जो थोड़े शिक्षित परिवार है वो तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं, और जो अति पिछड़े परिवार है जो जो शिक्षित परिवार नहीं है जो गरीब है वो उस चीज़ को समझते ही नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं समझते हैं, इसी वजह से वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं उसके लिए उन लोगों को जागरूक करूँगी, जो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, सरकार द्वारा जो भी शिक्षा प्रति जो योजनाएं आती है उनके बारे में बताऊंगी, उसके लिए उनको जागरूक करूंगी, जो आप बच्चों को पढ़ाइए ये सब आप सभी को लाभ मिलेगा। और साफ़ सफाई जो हमारे गलियों की सड़कों की बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं इस बात पर फोकस करूंगी साफ़ सफाई में कि यहाँ पर ना शौचालय की ना बहुत ज़्यादा कमी है इसलिए इतनी गंदगी है, क्योंकि शौचालय यूज करेंगे तभी गंदगी कम होगी, और साफ सफाई का उनको महत्व बताऊंगी तभी वो स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कभी बीमार ना पड़े जी। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि अगर वो समझेंगे जो शिक्षा क्या है, जब वो शिक्षा समझ जाएंगे तो खुद ब खुद स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, जो मुझे ऐसा करना चाहिए। और इस सभी के लिए मैं उन्हें खुद जाकर जागरूक करूंगी, एक यूनिटी एक समूह बनाऊंगी अपने वार्ड की। सबसे पहले मैं उन्हीं को समझाना चाहूंगी, जो आप समझिए जो आपके बच्चे कैसे बीमार पड़ जाते हैं इस गंदगी की वजह से, सबको साफ सफाई रखिए और बच्चे को पढ़ाइए। मैं आपसे दूसरी बातें ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो इस बार बड़ी आशा में होंगी कि हमारे वार्ड से एक महिला प्रत्याशी आई है, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए क्या क्या बातें हैं आपके मन में, क्या क्या उनके लिए योजनाएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? महिलाओं के लिए सबसे पहली योजनाएं मेरे मन में यही है कि जो अति पिछड़े लोग हैं वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं रहते हैं और वह हस्ताक्षर का मतलब नहीं समझते हैं, एक हस्ताक्षर उनके लिए क्या मायने रखती है। मैं सबसे पहले उनके लिए उस चीज़ को जागरूक करूँगी, जो आप अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर खुद सीखिए और सोच समझ कर उसका यूज कीजिए। और दूसरी बात, मैं उनके अंदर जो कला होती है आप जानते नहीं हैं, गांव में ना महिलाओं को इतनी सारी अंदर में कला होती है उनके अंदर, जैसे कि सिलाई हो गई, बुनाई हो गई और बहुत सारे ऐसे होते हैं, मिथिला पेंटिंग हो गए हैं, वो अपने अंदर छुपा कर रखती है, दूसरे से शेयर भी नहीं करती है। मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगी आप मुझसे शेयर कीजिए, जो भी गुण है आपके पास उस गुण को मैं आपको आगे लेकर चलूंगी, मैं आपके साथ हूँ। वैसे
आपके जो पति एक सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन है बेनीपट्टी के, बहुत सारे उनसे लगाव रखते हैं लोग, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें आज तक, मैं उन्हें बस इतना ही जानी हूँ जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ। मैंने उन्हें हमेशा देखा है कि लोगों के बीच में रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, किसी भी तरह की कार्य हो जो लोगों की भलाई से जुड़ा रहता है, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। कभी भी अगर कोई एक भी बार से पुकार देंगे जो आप भैया आ जाइए मुझे आपकी ज़रूरत है, तो कुछ भी नहीं सोचते हैं जो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये तो सोचते ही नहीं है। सिर्फ सोचते हैं कि मेरा जाना ज़रूरी है इसलिए मुझे बुलाए हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना मानते हैं। तो मैं तो उन पर बहुत प्राउडली फील करती हूँ, हकीकत तो यही बात है, मुझे उन पर बहुत गर्व है क्योंकि वो लोगों की हमेशा से सहायता करते हैं, मैंने आज तक देखा है उन्हें। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं भी उनकी तरह करूँ जो मुझे मौका दे। मैं तो वैसे भी उनके साथ तो हमेशा खड़ी रहती हूँ, मगर फिर भी मैं खुद से करना चाहती हूँ उस काम को जो अपने वार्ड के लिए करूँगी, अगर वो मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर। महिलाओं से लघु उद्योग के बारे में, वैसे लघु उद्योग के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती, बस वो मिथिला पेंटिंग जानती हूँ थोड़ा बहुत, और मतलब इतना जानती हूँ कि मैं कर लूँ, और थोड़ा वो सिलाई भी जानती हूँ, थोड़ा बुनाई भी जानती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानती हूँ। और मुझे ना सबसे ज़्यादा शौक है पेंटिंग वगैरह का। हाँ, बस निश्चित रूप से जो पेंटिंग जानने वाले जिस कला में लोग चाहेंगे उसमें आप करेंगे निश्चित रूप से। तो आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने वार्डवासी और अपने क्षेत्रवासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप मुझे मौका दें और अपना आशीर्वाद दें मेरे वार्ड के। मैं अब तक तो मैं इस वार्ड की, इस जगह की मैं बहुत ही, अब मैं उनकी बेटी बनकर काम करना चाहती हूँ, वो मुझे बेटी की तरह समझें और अपना आशीर्वाद।